जनाब कमल नयन पांडे जी से दरख्वास्त करता हूँ, जो एक साहित्यकार, रचनाकार, नसर निगार हैं, ये सुल्तानपुर की मानी शख्सियतों में से हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अपने वक्तव्य से, अपने कलाम से हम सबको महसूस फरमाएं। इस गणतंत्र समारोह के मुख्य अतिथि जी, अध्यक्ष जी, हमारे दोस्त मौलाना उस्मान साहब, सम्मानित मंच, उपस्थित मित्रों, पाबंदियां मुझे जिंदगी में कभी कबूल नहीं हुई हैं और पाबंदियों में बोलना ये मेरा मिजाज भी नहीं है, क्योंकि जो बात बोली जाए केवल वक्ताओं की सूची में नाम दर्ज हो जाए इसलिए बोलने के आदि हम नहीं हैं। लेकिन अब मौलाना साहब को इतना मैं प्यार करता हूं कि इन्होंने मुझे आदेश दिया कि 2-3 मिनट में अपनी बात पूरी कर लीजिए। जो हमारे मुख्य अतिथि ने बातें की हैं उनसे मैं अपने को जोड़ता हूं और उन सारी बातों को मैं छोड़ देता हूं। सभी लोगों ने इस बात को साफ कर दिया कि जो भारतीय संविधान है वो केवल हिंदुस्तान के लिए नहीं है। जब जब इस दुनिया के मुल्क आज़ाद हुए हैं तो अपना राजकाज चलाने के लिए उन्होंने कुछ ढांचे तय किए, उन्हीं ढांचों को तय करना, उनके अधिकारों, उनकी जिम्मेदारियों को तय करना, उनका अलग रूप देना, उनके बीच में एक तालमेल बनाना, यही संविधान का मूल मर्म है। क्योंकि समय कम है इसलिए मैं प्रस्तावना का एक वाक्य पढ़ रहा हूँ। यही उस संविधान की रूह है, यही उस संविधान का प्राण है, यही संविधान है जो भारत के लोकतंत्र को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाता है। मित्रों, हमारे सम्मानित अतिथि आ रहे हैं, उनको आने दिया जाए, वो आसन लेंगे। समय की कमी है तो आप अपना रुख दूसरी तरफ न करें, आप केवल 2-3 मिनट केवल आपको सुनना है बस। वो प्रस्तावना का जो वाक्य है जहां से भारतीय संविधान की शुरुआत होती है, वो कहता है हम भारत के लोग, यही मर्म छुपा हुआ है भारतीय संविधान में कि हम भारत के लोग, इसके माने कि इस भारत देश की सीमा में जितने रहने वाले लोग हैं वो किसी जात के हों, किसी धर्म के हों, किसी भाषा के हों, किसी क्षेत्र के हों, किसी जबान के हों, लेकिन हिंदुस्तान की सीमा में, उसकी सरहद में रहने वाले लोगों की एक पहचान है कि हम भारतीय हैं। यही रूह है, यही प्राण है भारतीय संविधान का। समय कम है तो मैं संविधान के बिंदुओं को नहीं उठाऊंगा, लेकिन एक अलग बात मैं करना चाहता हूं कि संविधान के खतरे को लेकर, लोकतंत्र के खतरे को लेकर जो लानत मनानत की गई, उससे अलग और अलाहिदा एक मसला जो यहाँ पेश नहीं किया गया, तो मैं मौजूदा सरकार को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि जिस भारतीय संविधान का चरित्र, उसका लचीलापन है कि जब जरूरत पड़े व्यापक देश हित में, व्यापक लोक हित में संविधान में संशोधन हो सकता है। 100 से अधिक संशोधन संविधान में हुए, लेकिन आजाद भारत के अंदर जब 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू हुआ, 100 से अधिक संशोधन हुआ। आप इतिहास पर गौर करें, किसी भी संविधान के संशोधन पर जनता असंतुष्ट, जनता क्षुब्ध, जनता नाराज नहीं हुई, लेकिन यह पहली सरकार है जिसने संविधान में संशोधन किया तो भारत की एक सीमा से दूसरी सीमा तक मिली जुली जनता जो हिंदुस्तानी जनता है, हर जाति धर्म, हर क्षेत्र, हर जबान, हर तहजीब के लोग थोड़ी ही संख्या में सही एक हुए। और मैं सरकार को बधाई इसलिए भी देता हूं कि 70 वर्षों में पहली बार दानिश्वरों की महफिल से निकलकर, बुद्धिजीवियों के दायरे से निकलकर ये भारतीय संविधान
आज उन गांव में चर्चा का विषय बन गया है जो नहीं जानते थे कि संविधान क्या चीज है। आज इस सरकार ने एक संशोधन करके बड़ा एहसान किया है कि हिंदुस्तान के दिलों को जोड़ दिया है। सारी जातियों, संप्रदायों, भाषाओं, क्षेत्रीय तहजीबों के बाड़े बेड़े को टूट दिया है। आज हिंदुस्तान एक शक्ल में खड़ा है जिसको हम हिंदुस्तानी कहते हैं। आज गांव की गलियों में, गांव के आंगन में, जहां संविधान की गूंज नहीं होती थी, जहां संविधान पर चर्चा नहीं होती थी, आज पूरे देश में पहली बार संविधान की चर्चा हो रही है। इसलिए 26 जनवरी 2020 का गणतंत्र एक नए भारत के निर्माण का आगाज लेके आया है, एक नए भारत की शुरुआत की घोषणा करके आया है। और मित्रों, माफ करना, पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है जब मुस्लिम औरतें अपने शौहरों के पहलू से आजाद होकर इस ठिठुरन भरी ठंड में शाहीन बाग में अहिंसक आंदोलन में लगी हुई हैं। और केवल औरतें नहीं हैं, 28 विश्वविद्यालय आंदोलन कर रहे हैं। वहां बच्चे हैं, वहां बूढ़े हैं, वहां नौजवान हैं, वहां छात्र हैं। और बिरला इंस्टीट्यूट में 70 साल में पहली बार वहां के बच्चे आज आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन का मुद्दा क्या है यहाँ यह विमर्श का विषय नहीं है, लेकिन मैं यही कहता हूं कि लोकतंत्र, लोकतांत्रिक हुकूमत और फासीवादी हुकूमत में यही फर्क है कि लोकतंत्र में अगर जनता का एक छोटा समूह भी असंतुष्ट है तो लोकतांत्रिक सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि लोकतंत्र गुरूर से नहीं चलता, लोकतंत्र बातचीत से चलता है, संवाद से चलता है। तो सरकार का कोई बंदा जाए और यदि आप कहते हो उनको बहका दिया गया या वो भ्रम में पड़ गए, उनको बेआधार शक हो रहा है, आप जाओ उनके पास, आप बताओ कि ये मेरा इरादा है, उस इरादे को सच्चाई से बताओ। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि आज हिंदुस्तान जाग चुका है। एक उदाहरण देकर अपनी बात खत्म करूंगा कि सरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू से सबक ले ले कि जब वो प्रधानमंत्री बने तो चंद रोज के लिए वो आनंद भवन में विश्राम करने आए जो नेहरू की नीतियों के विरोधी थे। वो ढोल जजीरा बजाते हुए उनके विरोध में पहुंच गए, पुलिस ने डंडों से रोका, नेहरू तक पैगाम गया। नेहरू ने कहा है पुलिस वालों, ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है, तुम राजतंत्र के कारिंदे नहीं हो, तुम जनता की हिफाजत के लिए हो, अगर जनता मेरा विरोध करती है तो विरोध की आवाज सत्ता के कानों तक आनी चाहिए, सत्ता को सुनना चाहिए। वो लोग अंदर गए, नेहरू खड़े होकर सलाम किए, उन्होंने कहा अपनी शिकायत बताओ, मैं एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री हूं, हम तुमको सुनेंगे, तुम्हारी शिकायतें दूर करेंगे। वो अपनी शिकायतें रखते हैं, शिकायतों को दूर करने का आश्वासन नेहरू जी देते हैं, उसके बाद कहते हैं अब आप मेरे मेहमान हो, मेरे साथ बैठो और एक कप चाय पियो। ये लोकतंत्र का जज्बा है। और दूसरा, मैं एक बस आधा मिनट में कह के अपनी बात खत्म करूंगा, पार्लियामेंट में बजट पेश करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। आजादी के तुरंत बाद लोकतंत्र का चरित्र खतरे में नहीं आया। डॉक्टर लोहिया खड़े हो गए और उन्होंने कहा नेहरू आपका जो बजट भाषण है ये झूठ का पुलिंदा है, जो आपको मशवरा देने वाले लोग हैं वो भारत की वो तस्वीर नहीं पेश कर सके जो गांव की तस्वीर थी। मैं अभी गाजीपुर से लौट कर आ रहा हूं, डॉक्टर लोहिया कहते हैं वहां मैंने खेतिहर मजदूरों को देखा कि जब प्यार चलती है, दवाई होती है, तो उस अनाज को सीधे बैल खा लेते हैं और गोबर करते हैं, तो उस गोबर में जो अनाज होता है खेतिहर मजदूर उसको सुखाता है, पीटता है, अनाज को अलग करके धोता है, पिसाता है, तो गोबर से बने हुए दाने को खाता है। हिंदुस्तान की ये तस्वीर नेहरू आप में नहीं है। समय पूरा हो गया,
पीठ ने उनको कहा कि लोहिया जी आपका समय पूरा हो गया, भाषण बंद करो। लोहिया जो नेहरू के विरुद्ध बोल रहे थे, नेहरू की तरफ देखे और बोले कि नेहरू मैं रात भर जगा हूँ, रात भर जगकर मेहनत किया हूँ। नेहरू जी खड़े होते हैं और कहते हैं माननीय अध्यक्ष जी मेरे समय में से कुछ समय आप डॉक्टर लोहिया को दे दीजिए, क्योंकि देश की सच्ची तस्वीर पेश कर रहे हैं। ये लोकतांत्रिक हुकूमत का जज्बा होता है। और आज जो मुस्लिम समाज पर सवाल पैदा किया जाता है, मेरे पास बहुत सारे बिंदु थे जो मैं बोलता लेकिन वक्त नहीं है, तो मैं उनको ये सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र का पहला शब्द होता है कि अपने असहमत के प्रति जिनसे आप तफाक नहीं करते, अगर आप हिंसक होते हो, भड़क जाते हो, गाली गलौज की भाषा देते हो, तो आप लोकतांत्रिक नहीं हो, आप असल में संविधान के विरोधी हो। क्योंकि पहला शब्द, पहली शर्त लोकतंत्र की है सहिष्णुता। अगर आप सहिष्णु नहीं हैं, जिनसे तफाक नहीं करते, विनम्र आत्मी एक मनुष्य की तरह अपना विरोध दर्ज कराओ, अपना प्रतिरोध करो, तो ये जो देश है, जो लोकतंत्र है, बातचीत से चलता है। और मुस्लिम पर एक बात मैं कहूँगा कि इसको जो हमारे मित्र मुस्लिम की राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठाते हैं, मैं आज़ादी की लड़ाई, आज़ादी के बाद सरहद की लड़ाई में कितनी कुर्बानियाँ मुस्लिम समाज ने दिया है वो ब्यौरा मैं नहीं पेश करता। एक बात मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ये वो मुसलमान है कि नारों से भक्ति नहीं आती, कोई अपनी माँ के सामने ये नहीं कहता मेरी मैया जिंदाबाद, वो दिलों में माँ की तस्वीर बसी होती है। इस हिंदुस्तान से, इस धरती माता के प्रति उनकी निष्ठा, उनकी भक्ति का प्रमाण मत मानो, क्योंकि पांच वक्त नमाज करते समय हर मुसलमान रोज पांच बार धरती को चूमता है। इससे बड़ी राष्ट्रभक्ति, अपनी माटी से इससे बड़ा प्यार करने वाला कौन होगा। और जो अभी हमारे मुख्य अतिथि ने एक शेर कोट किया था, मैं दूसरा पढ़ रहा हूँ, वो केवल इतना है कि जो नदियाँ आके मिलती हैं वो दिखलाई नहीं देती महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका है कि महासागर बना है तो अलग अलग दिशाओं से आने वाली नदियों से बना है। अगर ये भारत बना है तो भारत साझा हाथों से भरा है। ये भारत किसी एक जात, एक धर्म, एक भाषा, एक संस्कृत से नहीं, इंद्रधनुष की तरह ये मुल्क है, पूरी दुनिया में अकेला, अनोखा और सबसे खूबसूरत मुल्क। कभी कल्पना कर लो, जो आज लोग ये प्रचार कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं सोशल मीडिया पर, कल्पना कर लो अगर इस दुनिया के सारे चेहरे एक समान हो जाएं, सारे कपड़े एक समान हो जाएं, सारी सोच एक समान हो जाए, यह दुनिया जिंदा दुनिया नहीं लगेगी, यह दुनिया एक श्मशान की तरह लगेगी। यही किस्म किस्म के लोग, तरह तरह की भाषाएं, तरह तरह की बोलियां, तरह तरह का व्यंजन, यही भारत की खूबसूरती है। इस खूबसूरती को बचाने के लिए आज आपके सामने दो तस्वीर है। एक तस्वीर उस भारत की लोग पेश करते हैं जहां ध्रुवीकरण की राजनीति को बल मिलेगा, और एक दूसरे भारत की तस्वीर आज सड़कों पर है जिसमें हर जात, हर धर्म, हर क्षेत्र, हर भाषा, हर संस्कृति के लोग एक साथ हैं, जो साझा भारत बनाना चाहते हैं। गंगा जमुनी तहजीब की फिर लहरों को, तरंगों को तरंगित होना देखना चाहते हैं। आप किसके साथ खड़े होना चाहते हैं, उस ध्रुवीकरण की राजनीति के साथ कि उस साझा राजनीति के साथ, यही आप तय कर लो। और इसी शेर के साथ मैं बात खत्म करता हूँ कि अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, क्योंकि इसके कमल कुम्हलाने लगे हैं। जय हिंद, जय भारत।